मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की आपस में शादी कर सकते हैं, शर्त यह है कि उन्हें धर्म बदलना होगा, यानी बिना धर्म बदले शादी की तो उसे अवैध माना जाएगा। ये शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नहीं है। ऐसे में होने वाले बच्चों का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। ऐसा कहते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की शादी की याचिका को खारिज कर दिया। अनूपपुर का रहने वाला 29 साल का मुस्लिम लड़का और 25 साल की हिंदू लड़की में प्यार हुआ। दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, लेकिन दोनों अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहते थे। घर वाले भी शादी के खिलाफ थे। ऐसे में 25 मई को अनूपपुर कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दिया और सुरक्षा की मांग करते हुए शादी करने की परमिशन मांगी, लेकिन कलेक्टर ना तो सुरक्षा देने के लिए राजी हुए और ना ही शादी की मंजूरी दी। कलेक्टर से मंजूरी ना मिलने पर लड़का लड़की ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका लगा दी। कोर्ट ने सुनवाई में कहा, लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन धर्म बदले बिना शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है, इसलिए ऐसी शादी को वैध नहीं माना जा सकता। साथ ही कोर्ट ऐसी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने की मांग में दखल नहीं देगा। सुनवाई के दौरान लड़की के पिता भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर ये शादी हुई तो उन्हें समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए नेशन मिरर।